जबिल हाउ आर यू डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यू कैन सी कीबोर्ड एंड माउस थ्रू विच यू इंटर डाटा एंड टू अंप्यूटर आपने की बोर्ड एंड माउस देखा जिससे आप इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा यू कैन सी मोनीटर विच डिस्प्ले द आउटपुट यू कैन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस द डाटा एंड यू मे आल्सो सी द प्रिंटर स्कैनर माइक्रोफोन इजेक्ट सर so, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं सच सचैस कीबोर्ड एंड द माउस विच हेल्प यू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर और कार्ड इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस एट ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं डिवाइस सच सजेज मोनीटर एंड द प्रिंटर थ्रो विच यू सी दी आउटपुट आर कॉल्ड दी आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जैसा कि मोनीटर है प्रिंटर है ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कीबोर्ड और माउस से देते हैं वो हम इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है तो वो जो डिस्प्ले हो रहा है जो हमें नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास आउटपुट आ रही होती है सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं फर्स्ट हमारे पास है वो जो है कीबोर्ड है अ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इट इज़ यूज्ड टू इंटर डाटा और टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर कोई भी डाटा और टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं इट हैज़ इट हैज की सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइप राइटर सम एक्स्ट्रा कीज सच एज फंक्शन कीज नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माउस अ माउस इज अ कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है इट हैज़ इट हैज़ टू और मोर बटन इसके पास इसके ऊपर दो और एक दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील लगा हुआ होता है कि जो जिसको हम घुमा के या लेफ्ट राइट क्लिक करके इससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल और ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू द माउस ये बिल्कुल माउस की तरह ही होता है एंड कैन बी यूज इन एट प्लेस इट हैज़ अ बॉल ऑन द टॉप विच इज़ रोल्ड विद अ फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन दी स्क्रीन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज्वाइस्टिक. यू माइट हैव यूज जॉयस्टिक वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन दंप्यूटर हमने यूज़ किया होता है जॉयस्टिक को कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलने के लिए अ जॉयस्टिक इज़ यूज टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन दी ऑन दी पॉइंटर ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट पेन अ लाइट पेन इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन लाइट पेन से हम स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी ड्रा कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं माउस ट्रैक बॉल जॉस्टिक लाइट पेन ये सब हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कैनर अ स्कैनर अलाउ यू टू स्कैन और ट्रांसफर फोटो हैंड ड्रॉफ पिक्चर और टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर हम कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं किसी भी कोई भी चीज़ है हमारे पास हम उसे स्कैन करके उसी पेज के ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ उतार सकते हैं वेब कैमरा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब कैमरा और वेब कैन इज द कैमरा अटैच टू अ कंप्यूटर सम लैपटॉप हैव बिल्ट इन वेब कैन इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल नेक्स्ट हमारे पास आया डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा और डिजिटल कैमरा इज अ कैमरा दैट टेक स्टिल फोटोग्राफ इन द डिजिटल फॉर्म एंड मैनी नाउ आर डे आल्सो टेक वीडियो विद साउंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट ये भी एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करती है रिकॉर्ड करती है वॉइस साउंड म्यूजिक इनटू अ कंप्यूटर नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ गई है आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ऐसी आउटपुट डिवाइसेस थ्रो विच वी सी दी आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर जो भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम मॉनिटर को ही ले लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ हमारे डिस्प्ले हो रहा है जो हम देख रहे हैं जो हम सुन रहे हैं ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मोनीटर अ मोनीटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस इट इज़ यू इट इज़ आल्सो कॉल्ड वी डी यू इट इज़ सिमिलर टू आर टी वी स्क्रीन इट टी वी स्क्रीन की तरह के होता है द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ दोनीटर इज कार्ड दी सॉफ्ट कॉपी जो हम आउटपुट कम्पु, कम्पु, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें नज़र नजर आ रही होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीकर स्पीकर आर आल्सो यूज टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर स्पीकर आल्सो यूज़ होता है म्यूजिक प्ले करने के लिए कोई भी साउंड कंप्यूटर के ऊपर प्ले करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडफोन्स हेडफोन और आल्सो एयरफोन्स हम एयरफोन भी कहते हैं दे आर यूज टू लिसन साउंड और द म्यूजिक फ्रॉम द कंप्यूटर विदाउट अदर पीपल हेयरिंग इट कोई दूसरा ना सुने सिर्फ हम सुनना चाहें तो हाँ इसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन प्रोजेक्टर जो है वो भी हमें आउटपुट देता है स्क्रीन पर स्क्रीन कैन भी वाइट बोर्ड वाइट बोर्ड भी हो सकता है वाइट क्लॉथ के ऊपर भी हम देख सकते हैं और इवन अ प्लेन वाइट वॉल बिल्कुल एक वाइट वॉल हो सफ़ेद दीवार के ऊपर भी हमें नजर आ प्रोजेक्टर इज यूज फॉर क्लास रूम टीचिंग गिवन प्रजेंटेशन सेक्ट्रा देन हमारे पास आ जाता है प्रिंटर अब प्रिंटर डिलीवर दी आउटपुट ऑन दी पेपर प्रिंटर क्या करता है कि एक पेपर के ऊपर हमें एक आउटपुट डिलीवर करता है दी प्रिंटेड कॉपी दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी जो हमारे पास प्रिंट करके कॉपी हमें मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं जो हमें टीवी वी के जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रही होती है वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है और जो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाती है वो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है प्रिंटर और ऑल्सो मेनी टाइप्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इंच प्रिंटर लेजर प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर सेक्टर सर स्टूडेंट ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया अगर आपको कोई भी इशू है इसमें कोई भी मसला है तो आप एडमिन कॉल करके रता कर सकते हैं उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं